साथियों, नेतृत्व विकास के राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में उल्लेखित 7 बिंदुओं के संदर्भ में हम इस कालखंड में चर्चा करेंगे। सम्मान्य साथियों, जय हिंद। वर्तमान में हमारे सामने मॉड्यूल क्रमांक 13, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, विद्यालय नेतृत्व, इसकी अवधारणा एवं अनुप्रयोग, यह है। और साथियों, इसी में नेतृत्व विकास के राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में जो 7 बिंदु हैं उन पर चर्चा की गई है। और साथियों, इस कालखंड में बहुत ही संक्षेप में और सहज तरीके से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि ये जो 7 बिंदु हैं क्या हैं और इनमें कौन सा विवरण दिया गया है। ठीक है, चलिए प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, सबसे पहले क्रम पे नेतृत्व विकास का दृष्टिकोण। ठीक है साथियों, सबसे जो पहला बिंदु है नेतृत्व विकास के पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम देखें तो पहला बिंदु है कि नेतृत्व विकास का दृष्टिकोण क्या है, यानी किस सोच को लेते हुए नेतृत्व विकास आवश्यक है। तो साथी, विद्यालय के संदर्भ में हम बात करें तो विद्यालय के संदर्भ में निश्चित ही बच्चों के विकास के संदर्भ में ही नेतृत्व विकास का दृष्टिकोण रखा गया है। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, कुछ बिंदुओं को मैंने लिखकर रखा है कि शैक्षणिक क्षेत्र में परिवर्तन। साथियों, नेतृत्व विकास का जो दृष्टिकोण है वो है शैक्षिक क्षेत्र में परिवर्तन करना, परंपरागत तरीके से चली आ रही शिक्षा पद्धति में नवाचार करते हुए उसमें परिवर्तन करके बच्चों को अधिक से अधिक अवधारणाओं और जानकारियों को प्रदान करना ताकि वे सबल हो सके। आगे साथियों, बच्चों की वृद्धि एवं विकास को प्रेरित करने के लिए विद्यालय की परिकल्पना, यानी बच्चों के विकास को प्रेरित करने वाले और उनकी वृद्धि को सुनिश्चित करने वाले विद्यालयों की संरचना, विद्यालयों का निर्माण करना ताकि बच्चों का समुचित वृद्धि और विकास हो सके। ये है पहला जो बिंदु है, विद्यालय नेतृत्व का जो दृष्टिकोण है इसके अंतर्गत आता है। अगला है कि बाल केंद्रित समावेशी एवं प्रगतिशील नेतृत्व का विकास। साथियों, विद्यालय के संदर्भ में हम नेतृत्व विकास की जब बात करते हैं तो बाल केंद्रित शिक्षा वर्तमान की शिक्षा की अवधारणा है, यानी हमको विद्यार्थी को केंद्र में रख करके उसका अध्यापन कराना है। ठीक है, विद्यार्थी की आवश्यकताओं के अनुरूप, ठीक है, उसकी मन स्थिति के अनुरूप हमको उसका अध्यापन कराना है। साथ ही समावेशी शिक्षा के बारे में हमको जानकारी है कि ऐसा विद्यालय जिसमें बालक बालिका, थर्ड जेंडर, इसके अलावा जो दिव्यांग बच्चे वो भी समाहित होकर एक साथ सब अध्ययन करें। तो ऐसी समावेशी शिक्षा एवं प्रगतिशील नेतृत्व के विकास हेतु ये जो है नेतृत्व विकास आवश्यक है और इसी दृष्टिकोण को लेते हुए नेतृत्व विकास करना अनिवार्य है। शिक्षकों का, या हम ये कहें कि जो विद्यालय प्रमुख के अंतर्गत प्रधान पाठक आते, प्राचार्य या प्रभारी भी हो सकते हैं, जो भी विद्यालय का प्रमुख हो उसमें नेतृत्व क्षमता का विकास होना आवश्यक है। तो नेतृत्व विकास का दृष्टिकोण क्या है, मैंने आपको संक्षेप में बताने का प्रयास किया। दूसरा बिंदु साथियों, नेतृत्व विकास के राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में है कि स्वयं का विकास। अब स्वयं के विकास के अंतर्गत हम बात करें साथियों, तो जब तक एक व्यक्ति या जो विद्यालय प्रमुख है स्वयं डेवलप नहीं होगा, उसके अंदर खुद खूबियां नहीं होंगी, उसके अंदर वो गुण या कौशल मौजूद नहीं होंगे, तब तक वह नेतृत्व है वह नहीं कर सकता है। तो इसे तो आवश्यक क्या है, हम देखें तो जब तक विद्यालय प्रमुख या शिक्षक का विकास नहीं होगा, वो हर क्षेत्र में दक्ष नहीं होगा, तब तक विद्यार्थियों का और उस विद्यालय का विकास नहीं कर सकता है। एक शिक्षक के अंदर या विद्यालय प्रमुख के अंदर इस भावना को विकसित करना होता है कि वह स्वयं कर सकता है, यानी मैं स्वयं कर सकता हूं, हाँ यह मेरे बस की बात है, मैं इसको पूर्ण कर सकता हूं, ये भावना को जागृत करना है। तो देखिएगा, इसके अंदर के कुछ बिंदुओं को मैंने लिख के रखा है। पहला है स्वयं के, छात्रों एवं अन्य के अधिगम अवसर खोजना। देखिएगा, स्वयं के विकास के अंतर्गत हम स्वयं ज्ञान प्राप्त करें, स्वयं जानकारी प्राप्त करें, समझे और हम स्वयं मनन करें कि हमें किस प्रकार का नेतृत्व करना है ताकि विद्यार्थियों का समुचित विकास हो सके हर क्षेत्र में, मानसिक, शारीरिक से लेकर के बौद्धिक और सामाजिक, नैतिक, हर तरह का विकास हो सके। ठीक है, तो यही उद्देश्य है कि स्वयं के, छात्रों के एवं अन्य के अधिगम अवसर खोजना, अर्थात यहां पर स्वयं सीखने के संबंधित विद्यार्थियों को सिखाने और इसके अलावा जो अन्य लोग हैं
उनको भी अधिक से अधिक सीखने के अवसर प्राप्त हो सके। और जितना ज्यादा हम सीखेंगे, बच्चे सीखेंगे, तो निश्चित तौर से विकास उतनी ही तीव्र गति से होगा। आगे हम देखेंगे तो दूसरा बिंदु मैंने लिखा है कि नेतृत्वकर्ता की भूमिका हेतु चिंतन। देखिएगा, इसमें स्वयं के विकास के अंतर्गत यह महत्व बात आती है कि जो शिक्षक या जो विद्यालय प्रमुख है, यानी प्रधान पाठक या प्राचार्य, वो ये चिंतन करे कि प्रधान पाठक या विद्यालय प्रमुख होने के नाते उसको क्या करना चाहिए, उसके दायित्व क्या क्या हैं, और पूर्णतः वो अपने दायित्वों का निर्वहन भी कर सके। ठीक है, अगला बिंदु इसी मैंने लिखा है कि हाँ, मैं कर सकता हूं क्या दृष्टिकोण का विकास। जैसा कि मैंने पूर्व में आपसे चर्चा की कि स्वयं के विकास के अंतर्गत यह भावना या यह दृष्टिकोण विकसित करना कि हाँ, इसे मैं कर सकता हूं, ये मेरे बस की बात है, संभव है कि इसको मैं पूर्ण कर लूंगा, ये दृष्टिकोण का विकास करना है। तो देखिएगा, संक्षेप में इस बिंदु के बारे में बताया। तीसरा बिंदु है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का रूपांतरण। साथियों, यह एक महत्वपूर्ण प्रकरण है, और जो विद्यालय होते हैं या विद्यालय का जो स्टाफ है, विद्यालय प्रमुख है, सभी का लक्ष्य विद्यार्थियों का विकास होता है। साथियों, इस बिंदु में जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसमें सबसे पहले हम देखते हैं तो अधिगम प्रक्रिया बाल केंद्रित बनाते हुए अन्वेषण एवं सृजनशील बनाना। देखिएगा, जैसा कि ये तीसरा बिंदु है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में रूपांतरण, तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इस प्रकार से बदलाव करना चाहिए ताकि जो शिक्षा हो बाल केंद्रित हो, और बाल केंद्रित होने के साथ में बच्चों में अन्वेषण अर्थात खोजने, और साथ ही सृजनशील यानी किसी चीज का निर्माण करने की योग्यता उनके अंदर आ सके। और जिस दिन हमारे विद्यार्थी सृजनशील और खोजी बन गए, तो निश्चित तौर से वे अपना स्वयं का विकास तो करेंगे ही, साथ में समाज और देश का भी विकास होगा। ठीक है, अगला बिंदु है शिक्षकों का सलाहकार एवं परामर्शदाता बनना। साथियों, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का रूपांतरण के अंतर्गत यह भी बात प्रमुख है कि जो विद्यालय प्रमुख है उन्हें शिक्षक स्टाफ का, विद्यार्थियों का एक परामर्शदाता, एक अच्छा सलाहकार बनना चाहिए ताकि विद्यार्थियों की उत्तरोत्तर प्रगति हो सके और विद्यालय भी हमारा उन्नत हो सके। ठीक है, ये संक्षेप मैंने आपको बताने का प्रयास किया। आगे हम बात करते साथियों दल बनाना एवं दल का नेतृत्व करना, चौथा बिंदु है। और इस बिंदु के अंतर्गत हम देखें तो विद्यालय एक इकाई के रूप में होता है और उस इकाई में सभी लोग मिलजुल कर कार्य करते हैं और सभी का विकास सुनिश्चित होता है। किंतु साथियों, इस विकास को और भी अधिक गति देने के लिए विद्यालय में यदि दलों का गठन कर दिया जाए, और दलों का गठन करने के पश्चात उन दल में प्रत्येक सदस्य को कार्य करने के अवसर प्राप्त हो, उसे नेतृत्व करने का अवसर प्राप्त हो, तो निश्चित ही सभी का विकास हो पाता है। ठीक है, इसलिए दल बनाना और दल के जो सदस्य हैं वो नेतृत्व को भी स्वीकार करें, और नेतृत्व को स्वीकार करते हुए जो विभिन्न बातें हैं उनको सीखते हुए आगे बढ़े, ये इसका मुख्य उद्देश्य है, लक्ष्य है। और दल के जो प्रत्येक सदस्य है वो विचारों का आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे की बातों को समझते हैं और अपने अंदर की क्षमताओं का विकास करते हैं। ठीक है, तो साथियों यहाँ पर यही बात है कि दल बनाना एवं दल का नेतृत्व करना, ये नेतृत्व विकास के राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। जब तक हम दल नहीं बनाएंगे तो प्रत्येक व्यक्ति का विकास होना उतना संभव नहीं होता। यदि दल बनाकर हम कार्य करते हैं तो प्रत्येक जो विद्यार्थी है उसको भी अवसर प्राप्त होता है, साथ ही शिक्षकों को भी नेतृत्व के अवसर प्राप्त होते हैं और जो दक्षताएं हैं कहना चाहिए उनका विकास होता है। आगे हम बात करेंगे साथियों नवाचारों का नेतृत्व। साथियों, नवाचार यदि हम विद्यालय और विद्यार्थियों के संदर्भ में देखें तो नवाचार बहुत ही आवश्यक है। नवाचारों के माध्यम से ही बच्चों का बौद्धिक विकास अर्थात मानसिक विकास संभव होता है और किसी भी अवधारणा को, किसी भी प्रक्रिया को सहज और सरल तरीके से समझाया जा सकता है। साथियों, नवाचार जो है हमको समावेशी शिक्षा के संदर्भ में इसको देखना चाहिए, अर्थात नवाचार जो है हम बालक बालिका, थर्ड जेंडर और दिव्यांग बच्चों सभी को लेते हुए यदि हम नवाचार करते हैं तो बच्चों का समुचित विकास हो पाता है और शिक्षक साथी भी
बेहतर तरीके से विद्यार्थियों का अध्यापन करा पाते हैं, उनका विकास कर पाते हैं। साथियों, जैसा कि आपको ज्ञात है, नवाचारों से ही परिवर्तन संभव है और परिवर्तन होने से ही क्या होता है, विकास होता है। ठीक है, देखिएगा, नवाचार करने से न केवल विद्यार्थी बल्कि शिक्षक और जो समाज है वो भी अधिगम प्रक्रिया में काफी आनंदित होकर आगे बढ़ते हैं। अर्थात जो शिक्षा है वो सहज और सरल हो जाती है, अर्थात शिक्षा को ही सहज और सरल बनाने के लिए नवाचार आवश्यक होते हैं। अतः विद्यालय प्रमुख अर्थात प्रधान पाठक या जो प्राचार्य है उसके लिए आवश्यक है कि वो नवाचारों को बढ़ावा दे और इनका सहारा लेते हुए अपने विद्यालय का विकास करें। अगला बिंदु आप देखें साथियों, यहां आता है साझेदारियों का नेतृत्व। साथियों, विद्यालय के संदर्भ में साझेदारी आवश्यक अंग है। जैसा कि आपको ज्ञात है, विद्यालय में अलग अलग पृष्ठभूमियों के बच्चे आते हैं, अलग अलग सामाजिक आर्थिक स्तर के बच्चे आते हैं। यदि विद्यालय में विद्यालय प्रमुख एवं शिक्षकों के द्वारा उनकी सामाजिक आर्थिक मांगों को, उनके सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमियों को ध्यान में रखते हुए यदि उन पर भली भांति ध्यान दिया जाता है तो बच्चों का ठहराव विद्यालय में बना रहता है और वे अच्छी तरह से सीख भी पाते हैं। तो देखिएगा, साझेदारियों का नेतृत्व भी आवश्यक है। विद्यालय प्रमुख का पूर्ण दायित्व है कि वो इस बात का विशेष ध्यान रखे और सभी की साझेदारी, सभी का सहयोग आवश्यक है इसमें। अर्थात विद्यालय में पालकों का, शिक्षकों का, सभी की साझेदारी आवश्यक है ताकि सभी बच्चों का समुचित ढंग से विकास हो सके, उनकी प्रगति हो सके। अगला बिंदु हम देखते हैं साथियों, तो विद्यालय प्रशासन का नेतृत्व। साथियों, यह जो पहलू है प्रशासनिक और वित्तीय मामलों को लेकर के है। देखिएगा, विद्यालय के विकास में या किसी भी क्षेत्र में हम विकास की बात करें तो धन की आवश्यकता होती है। ठीक है, प्रशासनिक आदेशों निर्देशों का ध्यान रखते हुए विद्यालय प्रमुख को जो विद्यालय संबंधित विभिन्न संरचनात्मक ढांचे हैं, संरचनात्मक प्रक्रियाएं हैं, उनका ध्यान रखना और जो आवश्यक सुविधाएं हैं या संसाधन हैं उनको उपलब्ध कराना दायित्व होता है। और जो विद्यालय के खर्चे हैं, विद्यालय में जो भी व्यय है वो किस प्रकार से करना है, इनसे संबंधित जानकारियां इसके अंतर्गत है। साथियों, मैंने जो कुछ बातें आपको बताई, मैंने बहुत ही सहज और सरल तरीके से आपको बताने का प्रयास किया। तो ये सातों बिंदु के बारे में मैंने चर्चा की, तो ये सातों बिंदु नेतृत्व विकास के राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में उल्लेखित हैं और मॉड्यूल क्रमांक 13 विद्यालय नेतृत्व अवधारणा एवं अनुप्रयोग में दी गई है। साथियों, इनके बारे में मैंने बताने का प्रयास किया, आशा करता हूं ये जानकारी आपको काफी उपयोगी लगी होगी। मिलेंगे अगले कालखंड में किसी नए प्रकरण, नई जानकारी को लेकर। तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।